नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं धातु का गिरना, स्पर्मेटोरिया, धात जाना या ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर कुमार्स मेंस हेल्थ क्लिनिक। मैं डॉक्टर सौरभ कुमार आज आपसे बात करने वाला हूँ स्पर्मेटोरिया या धातु के गिरने के बारे में। जब किसी व्यक्ति के लिंग में से स्पर्म का रिसाव अपने आप ही होता रहे, यानि उसको कोई उत्तेजना नहीं है, उसके बाद भी उसमें से बूंद बूंद करके स्पर्म और सीमन निकलता रहे, तो इसको हम स्पर्मेटोरिया या धातु का जाना भी कहते हैं। ऐसा ज़्यादातर देखा गया है कि जब युवा अवस्था में किसी को टाइफाइड हो जाए या उसका लीवर डिस्टर्ब हो जाए, उसके बाद धातु का गिरना समस्या होना बहुत ही आम बात है। जब स्पर्मेटोरिया किसी को हो जाता है तो वो किसी से इसको बता भी नहीं पाता, किसी से शेयर नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो ये भी नहीं समझ पाता कि ये एक नॉर्मल अवस्था है या ये कोई बीमारी है। हम इसके इलाज के बारे में भी बात करेंगे, क्या इसमें दवाइयों का हम उपयोग कर सकते हैं, बाजार में कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और इसके इलाज के बारे में दूसरे डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम ये समझते हैं जब स्पर्मेटोरिया होता है तो हमें कैसे मालूम पड़े। जब आदमी मल करने के लिए बैठता है, मल के बीच में अगर वो अपने आगे वाले हिस्से पे उंगली से टच करके देखे और उसको कुछ चिपचिपा पदार्थ वहां पर निकलता हुआ दिखे, धागे जैसा गिरता हुआ दिखे, तो इसको हम धात का गिरना कहते हैं। धात का गिरने के कारण ज़्यादातर लोगों को लोअर बैक में हमेशा, यानी कमर में हमेशा दर्द बना रहता है, घुटने से नीचे पिंडली में हमेशा दर्द बना रहता है, पेशेंट दिन भर थका थका और चिड़चिड़ा रहता है। इसके साथ साथ उसके बाल भी जड़ सकते हैं, अगर ये अपच के कारण हो रहा है तो इसके साथ जरूर उसके बाल भी जड़ेंगे, उसको गंजापन भी आ सकता है और भी बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं। अब हम इसके लक्षणों की बात करें। जिस व्यक्ति को धातु गिरता है उस व्यक्ति के गाल हमेशा चिपक जाते हैं, वजन बहुत तेजी से गिरने लग जाता है, उसको बहुत ज़्यादा थकान बनी रहती है, सेक्स करने की इच्छा नहीं होती, लिंग में तनाव बराबर नहीं आता, अगर इस पे सही समय पे इलाज नहीं किया गया तो पूरी तरीके से सेक्स खत्म भी हो सकता है। इसके अलावा कमर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, हरारत सी महसूस होना, दिन भर बुखार बुखार जैसा लगना, कोई काम ना करने की इच्छा ना होना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में स्पर्मेटोरिया का बहुत ही अच्छा इलाज उपलब्ध है। इलाज के 15 दिन से 1.5 महीने के बीच में जब मरीज दवा लेना चालू होता है तो 15 दिन से 1.5 महीने के बीच में ही धातु गिरना पूरी तरीके से बंद हो जाता है और ये इलाज कम से कम 3 से 4 महीने तक रोगी को लेना चाहिए ताकि स्पर्मेटोरिया जो है वो पूरी तरीके से रुक जाए। रुकने के बाद पहले जो उसके शरीर में नुकसान हुआ है स्पर्मेटोरिया के कारण उसको भी हम वापस से ठीक कर सकें, इसलिए इस कोर्स को हम कम से कम 4 महीने तक चलाते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको धातु गिरने की शिकायत है, स्पर्मेटोरिया है या वो बहुत ज़्यादा परेशान है तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। नीचे दिए गए नंबर पे आप इलाज के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं या अपनी किसी भी प्राइवेट प्रॉब्लम के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताते रहिएगा। धन्यवाद।